मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, बगैर वुजू तस्बीह हाथ में लेकर पढ़ सकते हैं? तस्बीह जैसे होता है ना, सुभान अल्लाह पढ़ रहे होते हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे होते हैं, या दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो इनके लिए वुजू करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये तस्बीह आपके हाथ में है तब भी वुजू ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर तस्बीह नहीं है, हम उंगलियों पे पढ़ रहे हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं ना आप, तो इस तरह भी आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी वुजू ज़रूरी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वुजू नहीं होगा तो हम पढ़ ही नहीं सकते। ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने अपना नाम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए हमें इस चीज़ का पाबंद नहीं किया कि वुजू होगा तो ही पढ़ोगे वरना नहीं। ये अल्लाह का करम है, हमारे लिए आसानी है। तो लेकिन यह है कि जब भी हम जिक्र करें तो वुजू होना अच्छी बात है, अगर वुजू नहीं है तब भी हम जिक्र कर सकते हैं।